मरवाही उपचुनाव को लेकर जोगी परिवार की क्या भूमिका है? जोगी परिवार जनता से न्याय क्यों मांग रहा है? भारतीय जनता पार्टी से 10 करोड़ की डील के आरोप पर अमित जोगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिना जोगी मरवाही इस बार किसकी होगी, ये जानते हैं अमित जोगी से। अमित जोगी जी, इस बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ चुनाव मैदान पर नहीं है, जोगी परिवार से भी कोई नहीं है, तो बिना जोगी की ये चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। क्या कोई असर रहेगा चुनाव में जोगी परिवार का, जनता कांग्रेस का? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने बदलापुर और जोगेरिया के कारण भले ही मेरे परिवार को चुनाव के मैदान से बाहर कर दिया है, लेकिन जोगी परिवार को कभी भी मरवाही के लोगों के दिल से बाहर नहीं किया जा सकता। सदी में पहली बार हमारा परिवार मरवाही की जनता से वोट नहीं मांग रहा है। वोट से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोग न्याय मांग रहे हैं। जो लोग रोज़ मेरे पिताजी को उनकी मृत्यु उपरांत भी गालियां दे रहे हैं, तरह तरह के अनर्गल आरोप उन पर लगा रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग करके उनको रोज अपमानित कर रहे हैं, मेरे परिवार को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध मैं जनता से न्याय मांग रहा हूँ। उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद अमित जोगी अनाथ हो गया है। आज भी मेरे सिर के ऊपर गरीब लोगों का हाथ है, और जिनके ऊपर गरीबों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। इस चुनाव में आपके ऊपर एक बेहद ही गंभीर आरोप भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह का ये सीधा और स्पष्ट आरोप है कि बीजेपी ने आपको 10 करोड़ रुपए दिए हैं। पहली चीज तो ये कि जिनका आपने नाम लिया है उनको मैं जानता नहीं हूँ, पर इतना जरूर कहूँगा कि काश ऐसा होता कि कोई मुझको 10 करोड़ रुपया दे देता, यही मैं कहूँगा। जब मैं चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ तो कौन मुझे पैसा देगा, क्यों देगा? आपको ये लग रहा है कि ये जो आरोप हैं उन आरोपों में किसी तरह का कोई दम है, और अगर ये बात कही जा रही है तो क्या ये भी इसका मतलब निकाला जा सकता है कि जोगी का गढ़, जोगी का परिवार, जोगी के लोग वो अभी भी प्रभावशील है, प्रभावकारी हैं, असरवार हैं? जोगी और मरवाही दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अंतिम सांस तक मेरे पिताजी ने मरवाही क्षेत्र की सेवा करी, और अमित जोगी मरवाही के लिए न नेता था, न है, न कभी रहूँगा। मैं तो मरवाही का बेटा हूँ, मरवाही की कमियाँ का बेटा हूँ, और मेरा काम यहाँ के लोगों की सेवा करना है, चाहे मैं विधायक रहूँ नहीं रहूँ। जो मरवाही का उपकार मेरे प्यार के मेरे परिवार पर है, उस उपकार का कर्जा एक पीढ़ी में, दो पीढ़ी में नहीं चुकाया जा सकता। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला जो है असल आदिवासियों के बीच में, जो आदिवासी नहीं है वो चुनाव से बाहर हो गए हैं। क्यों वो मेरे पिताजी को रोज अपमानित कर रहे हैं? 20 सालों से मरवाही की जनता बता रही है, चीख चीख के बता रही है कि जोगी आदिवासी, लेकिन श्री भूपेश बघेल और उनके दल की नज़र में जब से हमने कांग्रेस छोड़ी है हम लोग आदिवासी नहीं रहे। उनको लगता है कि मरवाही की जनता झूठ बोल रही है। तो मरवाही उपचुनाव